बॉलीवुड स्टार कियारा सिद्धार्थ को दूल्हा दुल्हन के रूप में देखने को हर कोई बेताब है। शादी के लहंगे में कियारा और शेरवानी में सिद्धार्थ की एक झलक फैंस देखना चाहते हैं, मगर फैंस को थोड़ा और वेट करना होगा। इस रॉयल वेडिंग की फोटो और वीडियो सामने आना इतना आसान नहीं होगा। दोनों ने अपनी शादी को बिल्कुल प्राइवेट रखा है। सूर्यगढ़ में भी हाई सिक्योरिटी चारों ओर लगी हुई है। कियारा सिद्धार्थ की शादी में हाई लेवल सिक्योरिटी में 3 सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। करीब 65 एकड़ के एरिया में बने सूर्यगढ़ पैलेस के चारों तरफ गार्ड हथियारों के साथ तैनात हैं। पैलेस के अंदर मोबाइल यूज करना भी अलाउ नहीं होगा। होटल के अंदर एंट्री करना किसी चक्रव्यूह को तोड़ने से कम नहीं है। दोनों की शादी का फोटो लीक न हो, इस पर टीम का पूरा फोकस है। कियारा सिद्धार्थ की शादी में क्या होगी सिक्योरिटी? कियारा सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शादी में सिक्योरिटी का जिम्मा बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के पूर्व बॉडीगार्ड यासीन उगल समेत 3 अलग अलग एजेंसियों को सौंपा है। यासीन उगल की सिक्योरिटी एजेंसी के करीब 100 से ज्यादा गार्ड होटल में लगाए गए हैं। शादी में आने वाले करीब 150 गेस्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इन गार्ड पर रहेगी। हर गेस्ट के कमरे के बाहर और होटल के चप्पे चप्पे पर गार्ड को लगाया गया है। एजेंसियों के गार्ड ने कियारा सिद्धार्थ के आने से पहले सूर्यगढ़ का जायजा लिया था। अब शादी में 150 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए हैं। मुंबई से 15 से 20 सिक्योरिटी गार्ड की एक अलग टीम शनिवार को जैसलमेर पहुंची। उनके पास ऑटोमेटिक हथियार थे। 25 से 30 सिक्योरिटी गार्ड ईशा अंबानी के भी लगे हैं। होटल के आसपास भीड़ न हो, इसलिए पुलिस जाब्ता भी तैनात रहेगा। सूर्यगढ़ होटल के मेन गेट से एंट्री करते ही 3 चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं। पहले प्वाइंट पर कार और उसमें आने वाले गेस्ट की चेकिंग की जाएगी। मेन गेट से करीब 300 मीटर की दूरी पर फिर एक चेक प्वाइंट बनाया गया है। पहले गेट से ग्रीन सिग्नल मिलने पर ही दूसरे गेट से आने जाने दिया जाएगा। रिसेप्शन पर फिर से चेकिंग होगी। होटल आबादी क्षेत्र से दूर है। कियारा सिद्धार्थ की शादी के लिए पूरा होटल बुक किया गया है। ऐसे में बाहर से कोई भी गेस्ट या आम लोग होटल में एंट्री नहीं कर सकते। होटल के बाहर मेन गेट के पास रोड पर भी गाड़ी को रोकने पर पाबंदी है। होटल के आसपास कई किलोमीटर तक कोई भी मकान नहीं है। ऐसे में होटल की बाउंड्री के आसपास रुकने पर भी पाबंदी लगा रखी गई है। सूर्यगढ़ होटल में सोशल मीडिया लॉकडाउन लगाया गया है। शादी की कोई भी खबर और फोटो लीक न हो, इसका पूरा ध्यान सिक्योरिटी रख रही है। होटल स्टाफ भी 3 से 8 फरवरी तक मोबाइल का यूज नहीं कर सकता। उनके मोबाइल रिसेप्शन पर जमा करा दिए गए हैं। मोबाइल को एक पैकेट में लॉक करके रखा गया है। स्टाफ के लिए एजेंसी ने कीपैड मोबाइल दिए हैं, जिसमें कि उनकी ही सिम लगी हुई है। स्टाफ मेंबर को फोन यूज करना है तो एजेंसी की कीपैड फोन से ही बात कर सकते हैं, वो भी एजेंसी की परमिशन से। स्टाफ की ड्यूटी पूरी होने के बाद उन्हें मोबाइल वापस दिया जाता है। होटल को किले की तरह जमीन से ऊंचाई पर बनाया गया है। 65 एकड़ में फैला होटल सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए जाना जाता है। इसके मेन गेट में प्रवेश करते ही खुला एरिया आएगा। करीब 250 मीटर की दूरी तय करने के बाद रिसेप्शन आता है। इस बीच में होटल के गार्ड तैनात रहते हैं। ऐसे में कोई भी बिना अनुमति के होटल में प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर कोई मेन गेट पर गार्ड की नजर से छुपकर अंदर आ भी जाए तो 250 मीटर की दूरी तय करने से पहले ही सीसीटीवी कैमरे और गार्ड की नजर में आ जाएगा। होटल में रिसेप्शन पर एंट्री लेने के बाद हर 10 फीट की दूरी पर 2 गार्ड तैनात किए गए हैं। इसके अलावा होटल में सीसीटीवी कैमरे इस तरीके से लगाए गए हैं कि कोई भी जगह कैमरे की नजर से नहीं बच सकती है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। 24 घंटे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर होटल में हर एक्टिविटी पर नजर रखी जाती है। शादी में करीब 150 मेहमानों को बुलाया गया है। गेस्ट को एयरपोर्ट से होटल लाने के लिए लग्जरी कारें लगाई गई हैं। ड्राइवर होटल के अंदर तक जाएंगे, इस कारण सिक्योरिटी ने ड्राइवरों को भी एंट्री कोड दिया है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।